नमस्कार प्रश्नकाल को स्वागत कर शांतिभूषण आज प्रश्नकाल प्रश्न रही है आवास विस्फोरण आम कौ आवास योजना रे जो गरीब लोक सरकार कही मुंड पक्का घर देवाई देना खोद पंचायत राज मंत्री निर्वाचन मंडल में से आक्रोशर शिकार होती पुंजीभूत आक्रोशर शिकार होती जड़े लोक हिताधिकारी जे नागभूषण स्वाई सी मंत्री उपरकू स्टेज रे चप्पल फिंगी से भिजुआल आपको देखूँ और जो कथ आम कौ राज्य में केवल जड़े नागभूषण नहांती राज्य में अनेक नागभूषण अच्छा आम आपण को से नागभूषण मान प्रतिक्रिया देखूँ और महांगारे जो मंत्री निर्वाचन मंडल से केते लोक आवास घर पाई केते लोक पाईना आउ जो गाँव में जो बाइनपुर गाँ जो नागभूषण गाँ से केते लोक आवास घर पाई पक्का घर पाई आपण पूर्व मन थी महांगा निर्वाचन मंडल में आवास घोटाला होता सारा राज्य तो होता केन्द्रीय संस्था आसी केन्द्रीय टीम आसिकी इनक्वारी कर केवल ये जो नृतांग पंचायत से आवास घोटाला को जो पदाक आनी से कूलमणि बराल को निर्मम भाव में हत्या करहयोगी हत्या करभोग आ मंत्री ना मंत्री थे मुदाला नंबर 13 किंतु पुलिस ना को चार्जसीट रू का ये तमाम घटना आप जानते किंतु आज जो प्रसंग आम आलोचना करे जो हिताधिकारी जहाँ मनरे पुंजीभूत असंतोष रही आक्रोश रही आक्रोशर प्रतिफलन हो मंत्री उपरकू से चप्पल फिंगी से भिजुआल मुझे अनुरोध करुँ पीसीआर से भिजुआल टी आप देखु जो स्टेज उपर जो मंत्री मंत्री बस देखूँ एटी जो उत्सव चली मंत्री उपरकू चप्पल फिंगुं हाँ भिजुआल देखते ये क्लीयरली जना पड़ी मंत्री उपरू जन कि चप्पल फिंगुं चप्पल फिंगी लोकटी होती नागभूषण स्वाई जहाँ घर हूँ हलदिया पंचायतर बाइनपुर गाँ से बाइनपुर गाँव में मंत्री तांकु निजे प्रतिश्रुति देते प्याड्रे घर टीए मिल चाल घर अच्छी पक्का घर ना मुंड पक्का घर सरकार कही 19 मसीहा सुधा राज्य में कहा समस्त मुंड पक्का घर रही आउ चाल घर रही है बन्या बात्या को भय रही समस्त मुंड पक्का घर रु ये जो चित्र से चित्र मुझे देखेली से चित्र जे पुंजीभूत असंतोष कारण से चप्पल फिंगुंता ना हो नागभूषण स्वाई मुझे चाहूँगी तथ्य किसी तथ्य पर नजर पकड़ा आप तथ्य पर नजर पकातु जो आवास विस्फोरण कथ कहे आम पुंजीभूत आक्रोशर केमी प्रतिफलन है आवास न मिलवर मंत्री प्रताप जेना को जो चप्पल माड़ ये चप्पल फिंगी हलदिया पंचायत देखो पुंजीभूत आक्रोशर प्रतिफलन आवास न मिलवर मंत्री प्रताप जेना को चप्पल माड़ ये चप्पल फिंगिले हलदिया पंचायत बाइनपुर गाँव नागभूषण स्वाई ये नागभूषण स्वाई किए ना आपको पूर्व मंत्री प्रतिश्रुति घर खंडे देवे किंतु जितेबाला घर न मिलला से चप्पल फिंगी मंत्री उपरकू एमती अनेक नागभूषण अच्छा राज्य में जो मानक केवल प्रतिश्रुति मिली घर मिलना जो मैंने एवं भी आवास योजन वंचित मुझे बैट आपको शुणी किंतु एवं कहुची लोक के जो मान पक्का घर मरीचिका पलटि से आम कौ नागभूषण आवास आ मरीचिका आपण प्रथम नजर पकातु राज्य में केते पक्का घर होती देखु तथ्य स्क्रीन उपर देखु 30,35,508 लोक सरकार कहते पक्का घर दे सारे केवल कटक जिला जेहेतु आम महांगा कथ आलोचना करे कटक भितर महांगा आसुच्छी महांगा भितर हलदिया हलदिया भितर बाइनपुर गाँ आस देखु कटक 1,11,112 ये हूँ सरकारी तथ्य एतिक लोक पक्का घर मिल सारी महांगार के देखु मंत्री निर्वाचन मंडल 13,984 ये केवल महांगा निर्वाचन मंडल कथ कौन एटी हलदिया पंचायत को आसतु हलदिया पंचायत में मिली 483 लोक पक्का घर मिली जो गाँ कथा कौ बायनपुर गाँ से देखा बायनपुर गाँव में 8 जन को पक्का घर मिली मात्र 8 जन को सेठी नागभूषण को मिलना एथर 8 भितर 2 जन पाई प्रधानमंत्री आवास 5 जन इंदिरा आवास जड़े पाई पिजु पक्का घर और घर पाइबार को जो प्रतिश्रुति मिलता नागभूषण पर अनेक लोक मिलता आम मुझ स्क्रीन देखा चाहूँगी पूरा कटक जिला तथ्य जो सरकारी वेबसाइट अच्छी आप देखा ये सरकार कहते समस्त मुंड पक्का घर करेंगे स्क्रीन देखा आप हजार कोटी महाघोटाला पचरा आसवा आप देखा स्क्रीन में जो कटक जिला महांगा कथ मुझे देखी ये हूँ कटक देखो ये हूँ सरकार रूराल हाउसींग पोर्टाल एथेरे जो तथ्य कथ कौली 30,35,508 लोक बर्तमान सुधा पक्का घर दि सरला ये कटक्र फिगर 1,11,112 आउ ये हूँ महांगार फिगर 13,984 एतिक लोक महांगारे पक्का घर सरकार दे ये हूँ पूरा आपत देखो ये पूरा पंचायतर 34 पंचायत तथ्य देखु ये जो पंचायत कथ कौली ये हूँ हलदिया पंचायत ये हलदिया पंचायत 483 लोक पाई आप देखो आप जो बाइनपुर गाँ
से बैनपुर गाँव तथ्य देखा बैनपुर गाँव में कहती आठ जन लोक सरकार जमा देखते ये देखते पूरा 3634 घर महांगा ब्लक एथर 483 हूँ हलदिया पंचायत और ये जो आठ जन ना अच्छी ये हूँ पूरा ना ये सरकारी फिगर ये आठ जन लोक सरकार देखते बैनपुर गाँव में कि नागभूषण को देना खोद मंत्री कही दे घर देना से आम कहूँ नागभूषण आवास मरीचिका एमती राज्य में अनेक नागभूषण अच्छा मुझे कौली से रिएक्शन टी आप शुणे नीलगिरी कथा कहतु बालेश्वर कथा कहतु अनेक स्थान में एमती अनेक नागभूषण अच्छा जो मानक सरकार प्रतिश्रुति कि घर देना देखा से बैट देखा टे दुई जन बैट अच्छी मुंड तेल ना सरकार से तेल दौना जहाँ मान तेल अच्छी मुंड डेली डेली तेल मरा सेमती इंडिविजुअली सर मो ना धरले तो ये गुंडारा चलो ये खंडा तरबारी काम हुए जहाँ मुंड तेल ना सरकार से तेल दौना जहाँ मान तेल अच्छी मुंड डेली डेली तेल मरा सेमती इंडिविजुअली सर मो ना धरले तो ये गुंडारा चलो ये खंडा तरबारी काम आप शुणुले नागभूषण कथा कहूँ सी हूँ मंत्री निर्वाचन मंडल बैनपुर गाँव रही आप देखिले जो महिला कहते जहाँ मुंडे तेल आहरी तेल दि जाऊँगी अर्थात जे धनी ताकू घर मिलू जे गरीब जे चाड़घर ताकू मिलूनी ये हूँ बास्तवता आम आलोचना करवा जो मैंने आम सहित आज सामिल होती आलोचन प्रकाश बेहरा बीजेपी जिला सभापति कटक सी आम सहित सामिल होती देवेन्द्र साहू कांग्रेस नेता सी आम सहित सामिल होती आम सहित रमाकांत बराल जे कुलमणि पुओ से मत सामिल होती जो नृतांग पंचायत कथा मुझे कहूँ जो सामना को आनी कुलमणि बरा बराल जो हत्या कर दिव्य सिंह बराल और कुलमणि बराल को से कथा आपको कहबी कि आम आलोचना को आसवा जो आवास विस्फोरण कथा कहचे जे जहाँ मनरे आक्रोश अच्छी जो मान सरकार घर देवे कही घर देना से मितर आक्रोश अच्छी जार प्रतिफलन देखा मिलला मंत्री उपरक चप्पल फिंगाला ये प्रकाश बाबू मुझे आपंप जानापी चाहूँ महांगा निर्वाचन मंडल एमती के नागभूषण अच्छा जो मैंने पक्का घर रोना चाड़घर रोच सरकार से चाड़घर देवाई ठकी दौरान दौना एमती केते लोक अच्छा देखते एवं आपण विजुआल देखते जड़े भौणी कहते जे एटी तेलिया मुंडे तेल एवं एटी राज्य सरकार आप तथ्य आणिकी फनी कथा आम कह सरकार 12 लाख पखापाखि 12,75,000 मागी से समय प्रधानमंत्री आवास मागी पुणी काटिकी 8 लाख 22,000 कमिला केन्द्र सरकार 8,17,000 पखापाखि प्रधानमंत्री आवास योजना देले एवं राज्य सरकार से 8,17,000 मध्य पारे नहीं ताधर 5,62,000 जेन्युन रहिला एवं 2,60,000 जोड़ा इलीगल थिला ताकूपारे ना एवं पुनः तदंत जो केन्द्र सरकार कहिले से आज पर्यंत जुलाई 30 रु कहले आज पर्यंत राज्य सरकार से तथ्य ये करे ना एवं एटी महांगा कथा कहते कटक जिला कथा कहते एते एते प्रधानमंत्री आवास योजना राज्य सरकार जी मगुच्च जथेष दि जाऊँगी आपत जहाँ कहते जो 1,11,112 पखापाखी जा महांगारे 13,984 प्रधानमंत्री आवास योजना दि जाए महांगार जी प्रतिनिधित्व एवं करे मंत्री अच्छा सी हूँ से विभाग मंत्री एवं से विभाग एमाने कहते जे आमे समस्त को दौचे एवं इलीगली आपण तथ्य जहाँ खाली फनी तथ्य होची जे इलीगली 2,60,000 देते एटी कथा हूँ जो 12 लाख मगुच्च 5 लाख राज्य सरकार जेन्युन पाँच ताने जी आउ जो रहा गैप रहा पखापाखि 6 लाख 7 लाख पखापाखि प्रधानमंत्री आवास योजना को विभिन्न बाटे लोक सन्तुष्ट करने जहाँ ये भौणी कहते तार प्रमाण होता निश्चित भाव में प्रकाश बाबू दलय आधार में घर बंटा जाए अभियोग बीजेपी आगुरी पूर्व बहुत थर कर महांगारे ये जो घोटाला होता से घोटाला पर्दाफाश करते कुलमणि बराल मुझे आसवि आप थे मुझे देवेन्द्र बाबू पाखु जानापी चाहूँ देवेन्द्र बाबू आप महांगा सहित ओतप्रोत भाव जड़ित ये जो आम देखलु नागभूषण जो बैनपुर गाँव रागभूषण से गाँव रठ जन लोक जमा पाई ये सरकारी आरएच पोर्टाल अच्छी आपण पाखे पूरा तथ्य थी मुझे पचारूँ मंत्री निर्वाचन मंडल में एमती के नागभूषण अच्छा केते लोक अच्छा गरीब लोक जो मान मुंड पक्का घर ना
ଆପଣ ହଳଦିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଉଦାହରଣ ନେଲେ, ହଳଦିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିବେ ଯେତେ ଦିମାଲା କୋଠା ସମସ୍ତେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଚାଳ ଘର ସେ ପାଇନି। ଯଦି କେତେଥର ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କଲୁ, ସେ ଇନକ୍ୱାରିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖିଲେ, ସେ ଘର ଦେଖିକି କଲେକ୍ଟର ନିଜେ ଦେଖିକି ପଳାଇଲେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାହାର ଦିମାଲା କୋଠା ସେଇମାନେ ସବୁ ଘର ପାଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦିରାବାସ। ଏବଂ ଫନି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାଳ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଦେଖିବେ ଏବେ ବି ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କୁ 95,000 ମିଳିଲାନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋଠା ଘର ତାଙ୍କୁ 95,000 ମିଳିଲା। ଘର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗଲେ ଏଇଆ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସଫର ନିଜେ ବହୁ ଦିନ, ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ବହୁବାର ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛି, ତାକୁ ସେଠିକାର ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧି ମାଗିଛନ୍ତି 25,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ସେ କହିଛି ମୁଁ 25,000 ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ଆଣିବି, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଛି। କାରଣ ସେଥିରେ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଇଏ ପଇସାଟା ଯେଉଁ ଆଦାୟ ହୁଏ ଇନ୍ଦିରାବାସରେ, ସେ ପଇସାଟାକୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟିକି ନିଅନ୍ତି, ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଉଛି। ତ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଏ କେବେ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇବେନି, ଏବେ ପାଇବେନି, ଆଉ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଦିଅ ସିଏ ବି ପାଇବେନି। ସେଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋଠା ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଇନ୍ଦିରାବାସ ମିଳିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଦାଉଦ ନିଶ୍ଚନ୍ତ କହିଲି ବୋଲେ, ଦାଉଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ 1,207 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ, ପାଇଛନ୍ତି 2,770 ଜଣ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆରେ 1,207 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ 2,700 କେମିତି ପାଇଲେ, 2,770 ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦିରାବାସ। କୋଉଠୁ ଆସିଲେ ଏତେ ଲୋକ? ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି 1,207 ହେଉଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ, 2,700 ଲୋକ ଆସିଲେ କୋଉଠୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳିଲା? ହଁ, ସେଠି ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କର ବାପା, ପୁଅ, ଦାଦା, ମଉସା ସମସ୍ତେ ନେଲେ, 3-3 ନେଲେ ହେଇଗଲା ଇନ୍ଦିରାବାସ। ଆହୁରି ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବ 2,000 ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଚାଲିଯିବ। ଆପଣ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଯେ ନେବା ପାଇଁ 25,000 ଦିଅ, ଇନ୍ଦିରାବାସ ନିଅ, ରେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଛି, ଯିଏ ଦେବ 25,000 ସେ ପାଇବ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଇଏ ସାଂଘାତିକ ଘୋଟାଲା ଚାଲିଛି, ଆବାସ ଘୋଟାଲା। ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ, ଏ ଯେଉଁ ନୃତାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ କଥା, ଯେଉଁଠି ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀର ଗୁମର ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଖୋଲିଥିଲେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଦାଉଦପୁର କଥା କହୁଥିଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଇଏ କେବଳ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୋଧ ହୁଏ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଦାଉଦପୁର, ନୃତାଙ୍ଗ, ଅନ୍ୟ ହଳଦିଆ କଥା ଏଇଠି କହୁଥିଲେ, ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଏଇଠି ସବୁ ଏମିତି, ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଅଛି, ଆହୁରି ତେଲ ଦିଆଯାଉଛି, ଆହୁରି ଘର ଘର ଉପରେ ଆଉ ଘର ଦିଆଯାଉଛି, ଆହୁରି ପଇସା ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ନାଗଭୂଷଣଙ୍କ ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ପକ୍କା ଘରରୁ। ପ୍ରଥମତଃ ଯେ ନାଗେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯେହେତୁ କାଲି ସେ ଚପଲ ମାଡ଼ କରିଥିଲେ ଏ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀକି, ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଏ ଆଲୋଚନା ରଖିଛନ୍ତି। ନୃତାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବୋଧେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଅଛି, ଦୁର୍ନୀତିର ସରକାର ମାନିଛନ୍ତି, ଏଠି ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରି ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ମାନିଛନ୍ତି ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନର ଯିଏ ଥିଲେ, ଦୋତଲା କୋଠା ତାଙ୍କ ଭାଇ ନାଁରେ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଥିଲେ କୋଠା ଘର, ସେ ଅଲରେଡି ପଇସା ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଗରୁ ଅଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଯୋଜନା ଯେଉଁଦିନ ଠୁ ହେଲାଣି, ବୋଧେ 2009 ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତିକି ଥିଲେ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ପାଇସାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ହେଲେ ଯୋଉ ପ୍ରତାପ ବାବୁ ଯୋଉ ଆସିଲେ ମାଆ ଗାଭି, ତାପରଠୁ ଦିନେ ଦିନ ବୋଧେ ବଢୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ପାଇସାରିଛି ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଯିଏ 2 ତାଲା ଘର କରୁଛି ତାର 95,000 ଟଙ୍କା ଘର ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଆମର ନୀତି ନିୟମ ରହିଲା ଯେ ଯେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ଫୁଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫନିରେ ହବ ନାହିଁ, 95,000 ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 95,000 ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ କଲୁ, ସେ ତାକୁ ହିତାଧିକାରୀ ଠୁ ଯେହେତୁ 20,000-25,000 ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ନେଇକିରି ଅଲଗା ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଇ ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ। ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠା କରୁଛନ୍ତି କୋଉ କୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବି, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ, କାର ହବ, ସେ ଲୋକଙ୍କର ଚିଠା ହେଲେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ 10,000 ନବା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତଳ ସ୍ତର କଲେ 25,000 ହେଉଛି, ଏଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଲଗେଇକି ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ, ସହଯୋଗୀ ହତ୍ୟା କଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯେ ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ହେଲା ନା? କାଗଜ କଲମରେ କେବଳ ଆକ୍ସନ୍ ହେଲା, ବାସ୍ତବରେ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ? ସବୁ ଆଇନକୁ ଆଖିଠାର,
मंत्री निजे आईन मंत्री निजे पंचायतराज मंत्री आईन तंत्र को व्यवहार कर सबकि गोलमाया करदे रमाकांत बाबू पुणे आपण पाखु आउ थरे आसीबी प्रकाश बाबू प्रकाश बाबू एठी जो केंद्रीय टीम आसीथिला केंद्रीय टीम इंक्वायरी करे जणा पड़ला जे विराट घोटाला हेची पूरा राज्य रे जो माने पाइबा को योग्य सेमान को मिलिनी जो माने पाइबा को योग्य नहुंते सेमान को मिलची केंद्रीय टीम जीवा परे सेमाने सुपारिश करथिले एक्शन पई किंतु वर्तमान सुधा सरकार एक्शन नेले नाही काहे कि एक्शन नेले नाही एठी धरा पड़ी जीवा भय रे खुद पंचायत राज मंत्री धरा पड़ी जीवे सेइत पई सरकार एक्शन नहु नहत ना आउ किछ कारण अछि देखंतु धरा पड़ी जिबे कोन ये धरा पड़ी जाइछंती जदि धरा पड़ी न थांते ताहले कुलमणि बराणंकर हत्या हेइ न थांता महांगारे डबल मर्डर केस हेइ न थांता एवं आज जो रिएक्शन देखुछंती नागभूषण स्वाई जो तांको ऊपर को चप्पल पकेइछंती जहां कहा जाउछ मंत्री को ऊपर को पका जाइछि से लोक बारंबार मंत्री को भेटिछि बारंबार लोक मंत्री की अभियोग पत्र देइछि बारंबार तांको अनुरोध करिछि एवं जेतेबेले से मंत्री देखुची तांको पाखुकु आसीचंती खोला मंचरे बसीचंती सेतेबेले से तांको अभियोग दबा पई जाउची एवं सेई समय रे जोडा तांकर चिराचरित कथा जोटा किछि तांकर समर्थक किछि गुंडा तांको ठेली देइचंती जहा एकुहा जाउची जा सुना जाउची एवं जेतेबेले ठेली जो से तार आक्रोश जेते बारंबार जेतेबेले लोकटी गरीब लोकटी किछि पाइनी से तार रिएक्शन देखी चप्पल पकई गोटे रिएक्शन देखी एवं एटी आपड़ जो कहले धरा पड़ा भय नुह मैंने धरा पड़ती केवल कुलमणि बाबू को नुहे बा दिव्य सिंह बाबू को नुहे निज लोक जो मैंने सन्देह भितर थे जो मैंने प्रमाण बोली कहुता निज लोक से रास्तु हटेबाई योजना करफल सरकार पूरा पूरी भाव मंत्री की सुरक्षा दिया जाउची एवं ये इंदिरा आवास कलांकर जेटी देवेंद्र बाबू कहते रमाकांत बाबू कहते जो किकबैक कथा कह जाउची से तांकर मंत्री तांकर विधायक सी आउरी आमटू अधिका जानिचंती आमे पड़ोसी हिसाब से मध्य जानिचु एवं एठी जो किकबैक कथा कह जाउची जो परसेंटेज कथा कह जाउची एमाने बहु टंका केन्द्र सरकार का अर्थ को पूरा बाटमारणा करुचंती एवं जोथिकी पई प्रकाश बाबू आपण दल प्रेस मिट कर हजार कोटी घोटाला अभियोग कर देखापी चाहूँगी से जो तथ्य केन्द्रीय टीम आसते जो से सुपारिश करते कौन कौन से निर्दिष्ट भाव में कही सरकार जो चिठी लिखते सरकार कहीं आक्शन नौना टी देखा तथ्य देखा जो केन्द्रीय टीम आसते जो जो अभियोग से अभियोग आधार में कहीं सरकार कार्यानुषान नौना केन्द्रीय टीम जो आसला देखो आप तथ्य देखूँ कौन कौन सुपारिश करते जो हजार कोटी घोटाला बोली कहुची टी आप प्ले करूँ से ग्राफिक्स को जो भी अच्छी केन्द्रीय टीम सुपारिश कौन कौन थी कौन अभियोग कहीं आक्शन है ना पीसीआर अनुरोध कर देखा आप ग्राफिक्स को जो हजार कोटी घोटाला बोलिक अभियोग बीजेपी विभिन्न समय अभियोग करेंद्रीय टीम आसवापर यही अभियोग तीव्र होता देखो हजार कोटी महाघोटाला बोली अभियोग ये जो केन्द्रीय टीम रिपोर्ट में केलेंकारी गुमर खोली ये कौन कौन केलेंकारी थी देखो एक हूँ पिता ना आवास टंका नहीं हिताधिकारी पुओ जो कथा ये देवेंद्र बाबू कहते जो कथा ये कुलमणि बराल पुओ कौ रमाकांत बाबू से पिता ना आवास टंका पुओ नहीं दुई दुई नंबर देखा दुई नंबर हूँ गुहाल को कच्चा घर भाव जिओ टैग कर गुहाल को मतलब देखे ये हूँ पक्का घर से बाबद में पैसा नहीं ये केन्द्रीय टीम रिपोर्ट ये आम मनु कौन तीन देखा राज्य सरकार वेबसाइट रे डमी बा नकली एंट्री जो वेबसाइट सरकार अच्छी आरएस पोर्टाल से नकली बा डमी एंट्री थिला पीएम आवास रो लोगो छोटो बिजु पक्का घर लोगो बड़ो जो अभियोग विभिन्न समय रे लोके करी आसुथिले एवं बीजेपी करथिला जे पीएम आवास जोटा प्रधानमंत्री आवास योजना होता ता लोगो छोटो किंतु बिजु पक्का घर लोगो बड़ो अधिकांश घर मान निम्न मनर थिला एवं घर असंपूर्ण थिला देखे पूरा पैसा हड़प कर नहीं ये हूँ पांच नंबर छः नंबर देखो जो मनरेगा नब्बे दिन घर निर्माण पैंकी मजूरी से मजूरी में लोक पैसा देले ना ये हूँ केन्द्रीय टीम रिपोर्ट ये सरकार पैसा देले ना ये टीम रिपोर्ट देलापर सुपारिश होता जे आक्शन पे कि वर्तमान सुधा एप्रिल मसला एप्रिल मे जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नवंबर डिसेंबर वर्तमान सुधा आक्शन है ना ये हूँ विड़म्बना ये हूँ आवास घोटाला प्रमाण जोटा केन्द्रीय टीम निजे पाई एवं देवेंद्र बाबू
केन्द्रीय टीम आपण पर जानिबा चाहौची केन्द्रीय टीम जेतबेला आसतिला पूरा राज्य रे बुलथला विशेष कर जाजपुर रे जो तथ्य से संग्रहित करथिला महांगार त आपण कहउचो बहुत हेछि पूरा राज्य रे एमती आसुचे आपण विभिन्न समय गणमाध्यम देखुथिबे आपण मते निजे जाउथिबे विभिन्न स्थान को जोठी तथ्य आसुचि जे हजार कोटी रो घोटाला हेछि सेठी सरकार पूरा चुप केन्द्रीय टीम कहिला परे मध्य एक्शन होउ नै एटि वीडियो मानक विरुद्ध एक्शन आपे केन्द्रीय टीम सुपारिश करथिले किंतु एक्शन हला नै आपण भावुचंति केमिति एक्शन हबो आपण देखिबे तांकर एमएलए माने किबा अमर माननीय मंत्री गोटे खाता करिसथि 6 तारीख भितरे वीडियो तांका पैसा नैकि देकि आसिबे सप्लाई इन्स्पेक्टर तांकर फिक्स हेछि एतिकि देबे चेयरमैन एतिकि देबे जदि न देबे ताले ता परदिन तांका ऊपर एक्शन आरंभ हबो जे जा करचो करो मोर इंदिरा आवास रे एतिकि पैसा पाइबार अछि कॉन्ट्रैक्ट रे एतिकि पैसा अछि किरोसिन पैसा को बिकि मध्ये खाइ जांति तो का ऊपर एक्शन हबो मंत्री तो तांका ऊपर एक्शन नेबे से तो मासिकिया नउचंति सबुठु प्रति मासरे पैसा नौचंती वीडियो टू चेयरमैन टू एवं अन्य मान टू ताले से केमती एक्शन नेबे माननीय मुख्यमंत्री एक बुझुनांती ताले एही भली कांड से हजार हजार कोटी टंका करुचंती से आराम रे बसचंती कला पैसा आनो मु इलेक्शन बेले बांटीबी जितिबी ये होची ताकर गोटिए कथा द्वितीय कथा होची जो नागभूषण पकेला चप्पल एक्चुअल चप्पल पकेया फोर रे आमे नाहु एटा सत्य किंतु ये हूँ गोटे विद्रोह बनी यही मंत्री देखिए बहुत लोक घरे लोक लगे शोधाती ललितगिरी प्रदीप्त भैया घर आगे गोटे पिला लगे शोधती यही कम से निजे करती निज उपर पड़ा बर्तमान जान लें कि कष्ट रखिले थाना आज्ञा रखिले आपण मैंने आहरी खोलताड़ करते जीवन में से बहुत लोक घरे बेले अन्य गुंडा को मदुआ दे पठे सोदा कहते शोधिले से घर बाहर जे इंदिरा आवास कथा उठे मारिदे ना शोध ये हूँ मंत्री क्यारेक्टर ये जीवन सारा हूँ क्रिमिनाल माइंड ये क्रिमिनाल कम करते बाट आस निश्चित भाव में जो कथ कहते क्रिमिनाल माइंड नाँ 302 दफा लगी पुलिस चार्जसीट रू का रमाकांत बाबू ये जो नृतांग कथा एवं दाउदपुर कथा ये हलदिया कथा जिते पंचायत अच्छी सबुठी एमती अभोग आसी अनेक नागभूषण अच्छा जो मैंने गरीब लोक पाइबा योग्य पा ना ये देवेंद्र बाबू कहते मंत्री भाग रही जी आक्शन नवा कथा अभोग आसे जे आक्शन नवा कथा जितेबाला सीए परसेंटेज पाइब से आक्शन हम कमी केन्द्रीय टीम सुपारिश पर मत आक्शन हो समस्त को आश्चर्य करुच्ची केन्द्रीय टीम लिखिदेला इनक्वारी पूरा तथ्य प्रमाण सह तापर मैं सरकार चुप रमाकांत बाबू आप शुणी पार्टी मत रमाकांत बाबू आज्ञा शुणु हाँ आज्ञा कहु जे आज्ञा राजनीति होता जे स्थानीय नेतृत्व रोते से कथा को फिजिकाली बुझुते एक्चुअली बर्तमान जे अच्छा आम विधायक से बाहर आसी पैसा दे कि मंत्री होती पैसा उठावाई बिजनेस कर पंचायत आपण आगुरी भी आपण आगे अभियोग प्रमाण तथ्य देचु तेणु ये डायरेक्ट मंत्री ये पैसा नौ प्रधानमंत्री आवास योजना किए नब न नब से सिलेक्शन मंत्री करजु पक्का घर हूँ प्रधानमंत्री आवास हूँ जो लोक को देखते विजु जनता दल सभापति विजु पक्का घर अच्छा। कोठा घर अच्छी एगार मसीहा 2000 सेनसस एगार सेनसस अच्छी 8-9 मानते पक्का घर अच्छी प्रमाणित अच्छी लक्ष 20,000 दिटा किस्त पेमेंट कर पैसा जो ना 25-30,000 मंत्री की देले तेणु जो मीटिंग हम तक कौन अच्छी विभिन्न बाट डायरेक्ट दौरान मंत्री डायरेक्ट पैसा नौकरा घर आज्ञा महागार नुह महागार निर्वाचन मंडल नुह जेहतु पदार आई आखिर आप विगत दिन देखिए महांगार जो विडीओ तहसीलदार आई आई सी जी उत्तर पाई जो कथा कहते सामना को आसला जो तथ्य से सरकार निजे स्वीकार करते घोटाला दुर्नीति जो मान अभियोग तथ्य प्रमाण आधार में एक्शन हवा कथा एक्शन किसी हैला ये जो ब्लॉक बीजेडी सभापति थे किसी एक्शन है तेनालीरु से अनुसार पैसा कलेक्शन करगत दिन देखते भिड देखु
ମହାଙ୍ଗା ଥାନା ଦେଖନ୍ତୁ, ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉଥରେ ଦୋହରା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସାମ୍ନାରେ, ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ସରକାର ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ଆକ୍ସନ କିଛି ହେଲା କି ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ? ଠିକ ଅଛି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ବୋଧହୁଏ ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ଯେଉଁ କଥା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା, ଆକ୍ସନ କ'ଣ ହେଇଛି? ଯେ ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଁ ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ, ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ ହେଲା ନା ଆକ୍ସନ ହେଇନି? ନା କ'ଣ ଆକ୍ସନ ହବ? ନିଜେ ପା ଭିଡ଼ିଓ ଇନଭଲ୍ଭ, ତା ଦେହରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇନଭଲ୍ଭ, ସେ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପଇସା ଫେରେଇବେ? ସେ ପଇସା ପା ଆଗରୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଇନକ୍ୱାରି କରିଦେଲେ ବି କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଯଦି କୋଠାଘର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନେଇଛି, ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ, ତାପରେ ଆକ୍ସନ ହେଲାନି। ଚାଳ ଘରବାଲା ସେମିତି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିଛି, ଏଠି କିଏ ନବ ଆକ୍ସନ? ବା ନିଜେ ନିଜେ ଯିଏ ଆକ୍ସନ ନେଲା ବାଲା, ସିଏ ବା ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ଆକ୍ସନ ନେବେ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଯିଏ ମୋରି ପଞ୍ଚାୟତ, ସେ ତାକୁ ମାରିଲେ କାଲି, କାଲି ଜୋରଦାର ତାକୁ ମାରିଛନ୍ତି। ସେ ତାର ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେଠି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ତାକୁ ସେଭ୍ କରିକି ନେଇଗଲା ଥାନାକୁ, ନହେଲେ ତାକୁ ମାରିଥାନ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ବୁଲୁଥିଲେ ତା ଆଗରେ। ତ ଏମାନଙ୍କ ଔଦ୍ଧତମି ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯଦି ଜଣେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବ ତାକୁ ବାଡ଼େଇବେ, ଯଦି ସେ ଠିଆ ହେବ ତାକୁ ଗୋଇଟା ମାରିବେ। ଆଙ୍କର ସରକାର 21 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ଇଏ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଲୋକ ମାନନ୍ତିନି, ଇଏ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଇଏ ସବୁଦିନେ ସରକାର ରହିବନି। ଯେଉଁମାନେ ଅଧୋତମି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଅଧୋତମି ମଧ୍ୟ ରହିବନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଧୋତମି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ସମୟ ସରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରିବା। ମୋ ସହିତ ଏଇଠି ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଥିଲେ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଥିଲେ, ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଏତିକି କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ନାଗଭୂଷଣ ଯିଏ ବାଇନପୁର ଗାଁର ଚପଲ ଫିଙ୍ଗିଲେ, ଇଏ କେବଳ ତାଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ପ୍ରତିଫଳନ ଥିଲା। ଏମିତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ନାଗଭୂଷଣ, କେବଳ ବାଇନପୁର ଗାଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟରେ ତମାମ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପକ୍କାଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପକ୍କାଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କାଘର, 2019 ସରିଗଲା, 2022 ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗରିବମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କାଘର ରହିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏବେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଅନେକ ନାଗଭୂଷଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି। ସମୟ ସରିଛି, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଗୁଡ଼ି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।